दोस्तों, जहां आज के दौर में हर कोई मास सिनेमा का दीवाना है और सभी एक्शन और वॉयलेंस वाला सिनेमा ही देखना पसंद करते हैं और इस सब का क्रेडिट लोग बाहुबली और केजीएफ जैसे को ही देते हैं और कहते हैं कि बॉलीवुड तो कभी अच्छा मास सिनेमा दे ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि बॉलीवुड तो आज से 20 साल पहले ही इंडियन सिनेमा को मास का असली मतलब बता चुका है। 2001 में आई एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म गदर एक प्रेम कथा। जी हाँ, आपने सही सुना। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो थिएटर्स जंग के मैदान में बदल गया था और लोग पागल होकर नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और तब से लेकर आज तक ना तो लोग इतने दीवाने हुए हैं और ना ही ऐसी फिल्म रिलीज हुई है और फैंस बड़ी बेसब्री से फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इंतजार का समय खत्म हुआ, क्योंकि बहुत जल्द अब गदर 2 रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, फिल्म का शूट अब कंप्लीट हो चुका है और हर दिन फिल्म के सेट से स्टार्स की तस्वीरें वायरल होती रही है और फिल्म में एक बार फिर तारा सिंह और सकीरा की जबरदस्त रोमांटिक जोड़ी देखने को मिलने वाली है। साथ ही इस बार तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने वाले हैं अपने बेटे जीते को बचाने। गदर 2 की स्टोरी 1971 में हुए भारत पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें पहले से भी तगड़ा तोड़फोड़ वाला एक्शन देखने को मिलने वाला है। वही बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो एक बार फिर सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं और फिल्म इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। और बात करें फिल्म के टीजर और ट्रेलर की तो जुलाई में फिल्म का टीजर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर जोड़ी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।